कुरुक्षेत्र एरिया में राहुल गांधी ने कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों के हाथ मिलवा दिए, भारत जोड़ो यात्रा जी संदेश देने की कोशिश की कि भारत जुड़ रहा है, कांग्रेस जुड़ी नहीं हरियाणा में। शैलजा की यात्रा से हुड्डा गाया, हुड्डा की यात्रा से शैलजा गाया, ठीक है। इवन प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी गाया। भाई वो बड़े नेता हैं, एक तरफ वो कर रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरे कर रहे हैं पार्टी के प्रचार में, वो भी लगे हुए। तो राहुल गांधी ने कहा नहीं चलेगा। ये बताओ आज जो हाथ मिलवाए राहुल गांधी ने जी, ये 5 अक्टूबर तक हाथ मिले रहेंगे या अलग अलग हो सकते हैं? नहीं मिलेंगे तो खामियाजा भुगत लेंगे। कोई दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। इस समय हरियाणा में चुनावी बयार बह रही है और इस चुनावी बयार को और ज़्यादा हवा देने के लिए तमाम बड़े नेता दौरा कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर अगर आप कहें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इसके साथ साथ तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हैं, चाहे मुख्यमंत्री असम के हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री राजस्थान के भजन लाल शर्मा हैं, मतलब तमाम आप ये कहें कि राजनेताओं का रुख हरियाणा की तरफ है। इधर दूसरी तरफ जो कांग्रेस के प्रचार अभियान को या कांग्रेस का जो चल रहा है सारा राजनीति चुनावी, इसको और बड़ी हवा दे दी है राहुल गांधी के रोड शो ने। राहुल गांधी कुरुक्षेत्र एरिया में थे लगभग, यानी कि जीटी रोड पर, और कुरुक्षेत्र एरिया में राहुल गांधी ने कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों के हाथ मिलवा दिए। ये बता दिया कि कांग्रेस को ये दोनों हाथ जरूरी हैं। सुरजेवाला जी इस बात पर चर्चा में मेरे साथ मौजूद हैं। सुरजेवाला जी आपका स्वागत है। यही संदेश हुआ क्या कि कांग्रेस को ये हाथ जरूरी है, दोनों का साथ जरूरी है? देखिए कांग्रेस का चुनाव चिन्ह ही हाथ है जी, और वो कहते हैं ना साथी हाथ बढ़ाना। तो चुनाव में आपने देखा होगा अक्सर दो चीज़ स्टेज के ऊपर, एक तो बड़ी सी माला, उसमें वो सारे इकट्ठे होते हैं, लेकिन एक उसमें मैं बीच में थोड़ा सा कहूँगा, एक वीडियो देखी थी जिसमें प्रधानमंत्री जी उस माला में है, वो बहुत बड़ी माला है, उसमें नड्डा साहब भी बीच में माला में। कांग्रेस की बात करेंगे नहीं, मैं बता रहा हूँ, नड्डा साहब बीच में आने के प्रयास कर रहे थे, उधर राजनाथ जी ने भी वो माला पहन ली थी, लेकिन वो जो माहौल देखा और अमित शाह जी ने उनको नड्डा साहब को बाहर किया इस सारे से, तो वो अकेले ही नजर आए। मैंने बताया ना, एक तो बड़ी सी माला में सारे नेता जो स्टेज पे होते हैं वो उसमें नज़र आने की प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, एक सभी हाथ खड़े करके दूसरे का हाथ पकड़ के, और वो एक संदेश देते हैं हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि हुड्डा साहब और शैलजा जी दोनों पार्टी में हैं और दोनों का कद बड़ा ऊंचा है, दोनों राष्ट्रीय स्तर पर उनका वो है इस वक्त दबदबा, अब उनका बलबला, तो स्वाभाविक है कि हाथ मिलते रहेंगे। और साथ ही हाथ बढ़ाना नहीं, जल्दी हाथ छुड़ाना, वो छुड़ाना तो जब देखा जाएगा, जब छूटेगा छूटते देखो, अभी तक पार्टी में कुमारी शैलजा का हाथ छूटा रहा बहुत दिन तक, साथ छूटा तो नहीं, वो ठीक है, कुछ एक बीच में एक समय आता है, एक हाथ वहाँ था एक हाथ यहाँ था, हाथ मिलने वाली कंडीशन पे कहाँ थे, हाथ इधर उधर नहीं था उनका, उन्होंने हाथ समेट लिए थे, हाथ बांध लिए थे, वो कह सकते हो कुछ समय के लिए होता है, नेचुरल है, ऐसा अक्सर हो जाता है, बड़ी पार्टियों में ऐसी बातें आ जाती हैं कई बार, तो ये तो सब चलता रहता है जी। मतलब क्या ये संदेश देना चाह रहे थे राहुल गांधी वो हाथ मिलवा करके जी? आप इस फोटो में देखें जी, प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, उसके बाद में नजर आ रहे हैं कौन, उसके बाद में कुमारी शैलजा हैं, फिर राहुल गांधी हैं, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं जी। हुड्डा साहब और प्रियंका गांधी के हाथ को राहुल शैलजा के हाथ को हुड्डा साहब और शैलजा के हाथ को राहुल गांधी साथ में खड़े थे और उन्होंने साथ मिला दिया, अपने हाथ को पीछे करके उनके हाथ को मिला दिया, वो पीछे हाँ, फिर वो दोनों हाथ फिर साथ आ गए। अच्छा संदेश आ रहा है इससे, इसमें बुरा क्या है?
मतलब राहुल गांधी ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे नेताओं की कोई लड़ाई नहीं है। भाई वो तो हर जगह होता है और ये अच्छा संदेश है। तो उन्होंने अगर हाथ मिलवाए हैं या उनकी वजह से हाथ मिल रहे हैं और तो ये एक अच्छा संदेश जाएगा। अच्छा मैं बताता हूँ आपको जी, भारत जोड़ो यात्रा थी राहुल गांधी की। हाँ, उस टाइम पे कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे हैं जो बीजेपी में चले गए जी, और कुछ नेता ऐसे हैं जो बीजेपी से कांग्रेस में आ गए। हाँ, चलता है आना जाना चुनाव में, ठीक लगा रहता है। हाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ सब चलता ये तो है। कहते हैं ना भी लोकतंत्र में बड़े नेता कहते हैं चुनाव के अंदर खासकर चलता है। चरण सिंह भी कहते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहते थे कि पार्टियां बनेगी टूटेगी, लोकतंत्र में ऐसा चलता है। चली, मैं ये बता रहा था कि राहुल गांधी ने यात्रा निकाली। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा जी, संदेश देने की कोशिश की जी कि भारत जुड़ रहा है जी। कांग्रेस जुड़ी नहीं हरियाणा में, टिकटें बटी। हाँ, टिकटें बटने पर कुमारी सैलजा ने कहा कि टिकटों का वितरण ठीक नहीं हुआ लोकसभा की, ठीक है। चुनाव में भी ना हुड्डा साहब प्रचार करने गए कुमारी सैलजा का जी, ना कुमारी सैलजा के गुट ने रुक किया कहीं रोहतक का जी। सिरसा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा धन्यवाद करने गए जी मतदाताओं का जी, धन्यवाद आपने जिता दिया, सैलजा नहीं थी उस मंच पर भी, ठीक है। ये कांग्रेस के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ जो सिनेरियो लोकसभा वाला था जी, ठीक है जी जी। कांग्रेस एक कांग्रेस हुड्डा कांग्रेस, एक कांग्रेस सैलजा कांग्रेस, सैलजा के साथ तीन चार कांग्रेस, हुड्डा के साथ तीन चार कांग्रेस जी, तीन चार नेता कांग्रेस के, ठीक है। तमाम संदेश दिए राहुल गांधी ने। मैं आपके आशय को समझ गया, एक हो जाओ। मैं आपके आशय को जाओ सुनिए, एक हो जाओ। हाँ हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। ये कांग्रेस तो शुरू से रही है, नरम दल गरम दल 1905 में तब से ही होना शुरू हो गया था। एक कांग्रेस जो है ना गांधी जी की होगी थी, एक कांग्रेस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होगी थी। तो ये तो हमेशा चलता रहा है। देश आजाद हुआ, लोगों ने बांट दिया कि एक नेहरू जी है, दूसरी तरफ सरदार पटेल है, क्योंकि दोनों का व्यक्तित्व था, दोनों समकालीन और मतलब बराबर के नेता थे और उनका, और उसके बाद भी चलता रहा सिंडिकेट कांग्रेस और फला कांग्रेस, फिर जगजीवन राम कांग्रेस फला कांग्रेस, इंदिरा कांग्रेस, देवराज अर्श कांग्रेस, अलग अलग कांग्रेस होती गई ना। ये चलता रहा है, ये तो चलता रहेगा राजनीति में। अब यूं तो चले तो फिर शरद पवार की कांग्रेस, शरद पवार हित कांग्रेस, चलो बड़ी कांग्रेस जो भी चल रही है चलती रही, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, वो तो अलग कांग्रेस बन गई ना। वो अब ये कांग्रेस में कांग्रेस चलती रही, ये कांग्रेस में कांग्रेस की जिक्र किया मैंने इन सबसे पहले का। अच्छा, आपने तो ये दूसरी कांग्रेस का जिक्र किया, मैंने इससे पहले मैंने तो बताई जो कांग्रेस अलग हो गई सारी उनसे, जो मैं कह रहा हूँ जब इकट्ठी थे, जब ये था सिंडिकेट कांग्रेस फला कांग्रेस तब भी चलता रहा है, ये तो ये दो रातें रहे हैं। लोकसभा चुनाव हो गया जी, सांसद बन गए सब। हाँ, गिने शिकवे चलते रहे, ठीक है। फिर यात्राएं शुरू हो गई जी, राहुल ने फिर कहा एक हो जाओ। हाँ, सैलजा की यात्रा से हुड्डा गायब, हुड्डा की यात्रा से सैलजा गायब, ठीक है। इवन प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी गायब। भाई वो बड़े नेता हैं, एक तरफ वो कर रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरे कर रहे हैं, पार्टी के प्रचार में वो भी लगे हुए हैं, वो भी लगे हुए हैं। तो राहुल गांधी ने कहा नहीं चलेगा, तो इसमें गलत, दोनों ने फोटो लगा दी एक दूसरे के जी। दिल तो मिलते ही नहीं इनके, दिल किसी के मिले हैं राजनीति में? मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, कुर्सी एक है। क्या दूसरे दलों में दिल मिले हुए हैं? उनमें बिखराव नहीं होते? आज हिसार की सीट देखिएगा, जो विधिवत उम्मीदवार है प्रत्याशी है हिसार में भाजपा के, क्या वह दिल मिले हुए हैं? पार्टी का सारा कार्डर निर्दलीय जो है उम्मीदवार उसके पक्ष में प्रचार कर रहा है, वोट डलवा रहा है, वोट डाल रहे हैं। अच्छा, ये बताओ उनका भी चित्र नहीं लगाया जाता जिसके हलके में जो है ना प्रधानमंत्री जा रहे हैं, कैंडिडेट का तो ये तो हर जगह है। सुरजेवाला जी एक बात बताएं। हाँ, इतना फर्क है कि सत्तारूढ़ दल का और दूसरे जो सत्ता से बाहर होते हैं वहाँ थोड़ा सा अंतर आ जाता है, वहाँ पार्टी मजबूती में होती है, पार्टी का नेतृत्व तो उसका वर्चस्व होता है, जो सत्ता में नहीं होते वो थोड़ा सा वहाँ पे इस चीज का उनकी बात जल्दी बाहर निकल जाती है।
नजर आता। ये बात तो है बिल्कुल, यही है कि जब भी लड़ाई होती है, हाँ जी, हालांकि होनी तो चाहिए लड़ाइयाँ अभाव में, जी होनी तो चाहिए जब बहुत कुछ हो जाए, पर होती अभाव में ज्यादा है राजनीतिक लड़ाई। भाई एक बड़ी पुरानी कहावत है, टोटे में लठ बजता है, टोटे में लठ बजता है, बड़ी पुरानी कहावत, कंगाली में आटा गिल्ला, ये कहावतें हैं और इनका प्रभाव तो रहेगा। अच्छा ये बताओ, आज जो हाथ मिलवाए राहुल गांधी ने, जी ये 5 अक्टूबर तक हाथ मिले रहेंगे या अलग अलग हो सकते हैं? नहीं मिलेंगे तो खामियाजा भुगत लेंगे कोई भी। अगर ये नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो खामियाजा किसी न किसी को तो भुगतना पड़ेगा जी। ये चलता रहेगा यार, चलता रहेगा जी। ये लोग भी भली भांति, जब बंसीलाल जी, सुरजेवाला जी आप ये बताएं, बंसीलाल जी थे और भजनलाल जी थे, तो चलो उस वक्त भी रहा। हाँ ये जो पिछले दिनों चला हुड्डा और सैलजा वाला जो सारा चला खेल, हाँ सैलजा जी ने जिनकी घोषणा कर दी उनको टिकट नहीं मिली, फिर सैलजा जी के बारे में वो जो सारी बातें चलती रही, मैं उनको दोहराना चाहता नहीं हूँ, सब चला जो जी। मैं ये बता रहा हूँ कि ये सब चला, उससे कांग्रेस को नुकसान हुआ थोड़ा बहुत तो देखिए होता ही है, उससे थोड़ा बहुत होता ही है। अब आप कह रहे हो कि अगर अब भी हाथ, अगर मैं पूछ रहा हूँ कि अगर हाथ जुड़े रहेंगे तो फायदा अच्छा हो जाएगा, छूट तो नहीं जाएंगे? नहीं छूट लेकर उसका तो उस समय बताएगा। अब बंसीलाल जी थे और भजनलाल जी थे, एक वक्त आया बंसीलाल जी ने भजनलाल जी को पार्टी से निकलवा दिया, मजबूर हुए वो पार्टी छोड़ के CFD में चले गए, फिर वक्त आया बंसीलाल जी को खुद पार्टी से निकलना पड़ा। ये चलेगा। आज तो राहुल ने संदेश इस बात पे ज्यादा, इंदिरा जी का देख लीजिएगा, जब जो दूसरे नेता थे जिनको सिंडिकेट कहा जाता है, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ 1969 में, तो उस वक्त इंदिरा जी ने अलग निकल गए, तो ये तो चलेगा। तो आज तो राहुल ने संदेश दे दिया, हाँ, कि मिले सुर मेरा तुम्हारा की तरह। अभी घर में दो भाई हैं, जब शादी हो जाती है उनमें अलगाव होना शुरू हो जाता है। चलिए इलेक्शन की चुनाव की राजनीति है, और राजकाज में राजपाट में तो आप इतिहास उठा लीजिएगा, राजाओं महाराजाओं में आपस में उनमें भी ऐसा बिखराव होता रहा है जी, है ना। ये चालें, ये जो बातें हैं, ये षड्यंत्र भी दोहराए गए। रामायण को उठा लीजिएगा, तो अब हम ये मान के चलें, आप रामायण को देखिएगा, राम का राज हो रहा है, वहाँ फिर एक षड्यंत्र और आता है तो भरत के लिए, वो देखिए वहाँ भी हुआ है। तो अब इसके, ये तो पौराणिक आध्यात्मिक बातें सबको पता चलती रहेंगी जी। मैं अंतिम सवाल कर रहा हूँ, ये राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है जी, भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर यात्रा समझ रहा हूँ इसको मैं, हाँ, कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा इसका? इसका बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है, फायदा मिलेगा। ये जो बीच में आपने कहा क्या नुकसान हो रहा है इस तरह से, ये उसकी भरपाई के लिए ही है? नहीं, उसके लिए, उसके अच्छे के लिए है, उसमें जो कुछ है उससे बेहतरी की तरह, मतलब अगर जो कुछ डैमेज हो गया था उसको कंट्रोल कर लेंगे राहुल गांधी, इससे ही कहते हैं हम। नहीं, डैमेज कंट्रोल तो हो ही रहा है सरतिया तौर पर, और हो सकता है उसे और भी अच्छा इम्पैक्ट आए। सुरजेवाला जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस को फायदा होगा। संजीवनी है, मैं तो ये संजीवनी है कांग्रेस के लिए, संजीवनी है। हाँ, सुरजेवाला जी ये भी कह रहे हैं कि अगर हाथ मिले रहेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं मिलेंगे तो किसी को नुकसान हो जाएगा। ठीक है, चलता रहा, ये चुनावी रुत है, चुनावी बयार है, यूं ही चलती रहेगी। 5 अक्टूबर तक चुनावी फिजाएं होंगी और हम भी आपके साथ होंगे, किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई घटना के साथ और किसी नए मुद्दे के साथ। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।